मेरी प्यारी बच्ची, आज का संदेश बहुत खास है, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्ची, मैं तुम्हारे परिश्रमों को देखता हूँ और आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो तुम्हारी कई परेशानियों को खत्म कर देगा। मेरे बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी परेशानियों से अपने दिन बिता रहे हो और कई बार अपनी प्रार्थनाओं में तुम कहते हो कि बाबा मुझे वो चाहिए, कब तक मैं अपने मन में ये छुपाऊं और कब तक मैं ना मांगूं। तो बच्चे, आज मैंने तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और तुम्हें मैंने वो आर्थिक चमत्कार देने का तय किया है जिसके लिए कई बार तुमने मुझसे अपनी प्रार्थनाओं में मांगा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस जीवन में हर एक को हर एक काम के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में फिजूल खर्च नहीं करते हो और तुम अपनी ज़रूरतों के लिए ही मुझसे मांगते हो। तो बच्चे, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा और अब तुम एक आर्थिक आशीर्वाद बड़े पैमाने पर प्राप्त करोगे, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाए। तो अब चिंता मत करो मेरे बच्चे, अब उन दिनों को भूल जाओ जब तुम्हें धन की बहुत कमी महसूस होती थी। अब तुम्हारा जीवन कभी भी धन के अभाव में नहीं बीतेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, क्योंकि हमेशा तुम ये सोचते हो ना कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो बच्चे, अब वो कमी भी मैं तुम्हारी दूर करने जा रहा हूँ। अब तुम ये बड़ा उपहार जल्द ही प्राप्त करोगे, बस तुम अपने कार्यों को और अच्छे से किया करो, अपने कार्यों में मन लगाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और ज़्यादा प्रगति हो जिस हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो। तो तुम्हें अपने कार्यों में और ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी तुम अपने सपने को पूरा कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हर एक सपना पूरा हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जिस प्रकार तुम सच्चे मन से नाम स्मरण करते हो, तो आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ कि अब तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय होगा। तो अब खुश होकर अपना जीवन जियो और अगर कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो उसकी मदद अवश्य करना, ये सोचकर कि बाबा को ही कुछ दान कर दिया। सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।